आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुल्क में जारी लॉकडाउन की मुद्दत कार खत्म होने वाली है। इस दरमियान मरकजी वजारत सेहत ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की फहरिस्त जारी कर दी है। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क के अब जिन अजला से 21 दिनों में कोरोना इन्फेक्शन का कोई भी नया केस सामने नहीं आएगा, उन्हें ग्रीन जोन में शामिल किया जाएगा। इससे पहले 28 दिनों में नया केस नहीं आने पर ग्रीन जोन का दर्जा दिया जाता था। वजारत सेहत ने मुल्क के 319 अजला को ग्रीन जोन करार दिया है, जबकि 134 अजला को रेड जोन में शामिल किया गया है और 284 अजला ऑरेंज जोन में शामिल हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद समेत सभी मेट्रो शहर को रेड जोन में शामिल किया गया है। महाराष्ट्र में 14 अजला, दिल्ली के सभी 11 अजला, तमिलनाडु के 12 अजला, यूपी के 19 अजला, मगरबी बंगाल के 10 अजला, गुजरात और मध्य प्रदेश के 9 अजला और राजस्थान के 8 अजला रेड जोन करार दिए गए हैं, जिससे कि हमारी टोटल कंफर्म केसेस की संख्या अब 35,043 केसेस हो चुकी है। इनमें से 25,007 केसेस प्रेजेंटली एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। अगर हम पिछले 24 घंटे में देखें तो 564 पेशेंट क्योर हो चुके हैं, जिससे कि हमारी टोटल टैली ऑफ रिकवर्ड केसेस बढ़कर अब 8,888 हो चुकी है। इस तरीके से हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा रिकवरी रेट निरंतर बढ़ते हुए अब 25.37% हो चुका है। जैसे कि आप सभी को पता है कि देश के विभिन्न जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। राज्य और जिला प्रशासन द्वारा कंसंट्रेटेड एफर्ट्स करते हुए यह इंश्योर करना है कि जिन भी जिलों में केस आए हैं, यानी कि रेड या ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट, वहां पर इफेक्टिव और स्ट्रिंजेंट कंटेन मेजर्स के थ्रू चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक किया जाए। मैपिंग ऑफ केसेस एंड कॉन्टैक्ट, यानी कि जितने भी केसेस आए हैं उनको और उनके कॉन्टैक्ट को मैप किया जाए। वह केसेस और उनके कॉन्टैक्ट, उनका ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन क्या है उसको एनालाइज किया जाए। उसके साथ ही एक वेल डिफाइंड पैरामीटर जिसमें कि सारे रूल्स को प्रॉपरली और तरीके से इन्फोर्स किया जा सकता है, उन क्राइटेरिया को कंसिडरेशन में लेते हुए जहां पर भी ये केसेस आए वहां पर एक कंटेनमेंट जोन डिलीनेट किया जाना चाहिए। अर्बन एरियाज में जैसे कि कोई रेजिडेंशियल कॉलोनी हो सकती है, कोई मोहल्ला हो सकता है, कोई म्यूनिसिपल वार्ड या कोई पुलिस स्टेशन एरिया या कोई म्यूनिसिपल जोन और पूरा टाउन, डिपेंडिंग ऑन की केसेस का स्प्रेड आउट कैसा है। इसी तरीके से रूरल एरियाज में कोई विलेज या क्लस्टर ऑफ विलेज और पुलिस स्टेशन या कोई ग्राम पंचायत या ब्लॉक, इस टाइप के एरियाज को डिपेंडिंग ऑन द अबव पैरामीटर्स हमें कंटेनमेंट जोन को डिलीनेट करना है। खुसूसी नॉन स्टॉप ट्रेन 1200 मजदूरों को लेकर तेलंगाना से झारखंड के हाटिया के लिए रवाना हुई। रेलवे के अहदेदारों के बमूजिब ये ट्रेन हैदराबाद के लिंगमपल्ली से सुबह 5 बजे रवाना हुई। मीडिया से बात करते हुए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डायरेक्टर जनरल अरुण कुमार ने कहा कि ये नॉन स्टॉप ट्रेन खुसूसी ट्रेन तेलंगाना से झारखंड के लिए आज सुबह रवाना हुई, जिसमें 1200 महाजिर मजदूर सवार हैं। ये ट्रेन झारखंड के हाटिया को रात 11 बजे पहुंचेगी। झारखंड के अहदेदारों के बमूजिब हुकूमत ने उन महाजरीन मजदूरों के लिए खुसूसी ट्रेन से हाटिया पहुंचने के बाद उनके टेस्ट और खरंतीना के लिए माहौल बंदोबस्त किया है। हुकूमत ने उन महाजर मजदूरों को भेजने का फैसला हैदराबाद के IIT कॉम्प्लेक्स में नए मजदूरों के ज़बरदस्त एहतजाज के बाद लिया और उन्हें उनकी आबाई रियासत को रवाना कर दिया। मजदूर मांग कर रहे थे कि उन्हें उनके घर वापस भेज दिया जाए। वजारत दाखिला ने कल महाजर मजदूरों को आबाई मकामात पहुँचाने के लिए खसूसी ट्रेन चलाने को मंजूरी दी थी, जिसके बाद आज वजारत दाखिला के तर्जुमान ने ज़िमन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। गेहूं और चावल भारतीय खाद्य निगम से लिफ्ट कर लिया है। रेलवे ने 13 लाख वैगन से अधिक और 26,972 रेक्स द्वारा एसेंशियल कमोडिटीज की सप्लाई को सुनिश्चित किया है। सिविल एविएशन मंत्रालय 416 लाइफलाइन उड़ान फ्लाइट्स का संचालन कर 781 टन आवश्यक मेडिकल कार्गो को भारत के दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचा रहा है। ट्रक्स और गुड्स कैरियर्स के मूवमेंट में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है।
परंतु इस आवाजाही को और पुख्ता करने के लिए गृह मंत्रालय ने कल राज्य सरकारों को पत्र लिखकर आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे उसकी तरफ उनका ध्यान आकृष्ट किया है। आर्थिक गतिविधियों को और आवश्यक वस्तुओं की समयबद्ध आपूर्ति के लिए ये जरूरी है कि गुड्स ट्रैफिक्स का को इंटरस्टेट बॉर्डर्स पर रोका नहीं जाए। दिशा निर्देशों के बावजूद देश के कुछ हिस्सों में ट्रक्स और गुड कैरियर्स की मूवमेंट में समस्या आ रही है। गृह मंत्रालय ने फिर से स्पष्ट किया है कि ट्रक्स और गुड्स कैरियर्स की मूवमेंट के लिए चाहे वे भरे हुए ट्रक्स हों या खाली हों, अलग से पास की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकारों को अनुरोध किया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि जिला प्रशासन एवं फील्ड एजेंसीज इन निर्देशों का पालन करें। आज गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर उन लोगों की आवाजाही की अनुमति रेल द्वारा भी दी है जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, जैसे स्टूडेंट्स, माइग्रेंट लेबर, टूरिस्ट और पिलग्रिम्स। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारें एवं रेलवे बोर्ड उचित व्यवस्था करेंगे और सभी हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। मुल्क भर में कोरोना वायरस COVID-19 वबा के केसेस मुसलसिल बढ़ते जा रहे हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वबा के 1993 नए केसेस सामने आए हैं और 73 मरीजों के हलाक होने के बाद हलाक शुदगान की तादाद बढ़कर 1147 हो गई है। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में कोरोना वायरस के अब तक मजमू तौर पर 35,043 केसेस की तस्दीक हुई है, जिनमें 111 गैर मुल्की मरीज शामिल हैं। कोरोना वायरस से मुतासर अफराद के शफा याब होने की रफ़्तार भी तेज़ हुई है और गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से मुतासर 564 अफराद के शफा याब होने के साथ शफा याब होने वालों की तादाद 8,890 तक पहुँच गई है। वजारत सेहत की जानिब से जुमा की सुबह जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस मुल्क की 32 रियासतों और मुल्क के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में फैल चुका है। कोरोना वायरस से शदीद मुतासिर महाराष्ट्र में हालात मुसलसिल तशवीशनाक होते जा रहे हैं और गुज़िश्ता एक दिन में 583 नए केसेस के बाद रियासत में मुतासरीन की तादाद 10,498 तक पहुंच गई है और इस दौरान मज़ीद 27 अफराद के हलाक होने के बाद इस वबा से हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 459 हो गई है। वहीं रियासत में 1,773 मुतासरा मरीज शफायाब हो चुके हैं। गुजरात गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 313 नए केसेस सामने आने के साथ मुतासरीन की तादाद के मामले में दूसरे मुकाम पर है। गुजरात में मुतासरीन की मजमू तादाद 4,395 हो गई है और मज़ीद 17 अफराद के जाँ बहक होने से हलाक शुदगान की तादाद 214 तक पहुँच गई है। रियासत तेलंगाना में पिछले दो दिनों से कोरोना के केसेस में कमी देखी जा रही थी, ताहम आज अचानक केसेस में इजाफा हो गया। रियासत में कोरोना के 22 नए केसेस सामने आए हैं जबकि 3 अफराद की मौत हुई। महकमे सेहत के हेल्थ बुलेटिन में ये बात बताई गई है। आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान आलमी वबा कोरोना वायरस के 60 नए मामले सामने आए हैं और रियासत में कोरोना मुतासरीन की मजमू तादाद 1463 हो गई है। इसी मुद्दत में इस वबा की वजह से मज़ीद 2 लोगों की मौत हो गई। जुमा को यहाँ जारी हेल्थ बुलेटिन में बताया गया कि 60 नए मामलात जुमेरात की सुबह 9 बजे से आज सुबह 9 बजे के दरमियान के हैं। इन 60 नए पॉजिटिव मामलात में से 25 कुरनूल ज़िले के, 60 गुंटूर, कड़पा और अनंतनगरपुर से 6-6 और विशाखापट्टनम से 19 और मगरबी गोदावरी से 2-2 हैं। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कुरनूल और नेल्लूर ज़िले में 1-1 शख्स की कोरोना इन्फेक्शन से मौत हुई। इन लोगों की मौत के बाद रियासत में इस वायरस से मरने वालों की तादाद 33 हो गई है। मरकज़ी वजारत सेहत की जानिब से वायरस से मुतासरा इलाकों और गैर मुतासर इलाकों को 3 जोन्स में तकसीम किया गया है। तेलंगाना के 6 अजला रेड जोन्स में शामिल हैं। 18 अजला को ऑरेंज जोन और 9 अजला को ग्रीन जोन करार दिया गया है। हैदराबाद, रंगारेड्डी, सूर्यापेट, विकाराबाद, मेडचल, वरंगल अर्बन अजला को रेड जोन करार दिया गया है। निज़ामाबाद, जोगुलाम्बा, जगत्याल, सिरसिला, भोपालपल्ली, मेदक, जनगांव, नारायणपेट और मंचरियाल अजला ऑरेंज जोन में हैं। पेद्दापल्ली, नागरकर्नूल,
मुलग, भद्रादरी, कुत्तागुडम, महबूबाबाद, सिद्दीपेट और वारंगल रूरल वनपर्ति और जिले यादादरी भोरगी ग्रीन जोन्स में शामिल किए गए हैं। दुनिया भर में आलमी वबा कोविड 19 का कहर मुसलसिल बढ़ता जा रहा है और इस वबा से दुनिया भर में अब तक 231,989 अफराद हलाक हो चुके हैं और 32,00,000 से ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस से तेज़ी से फैल रहा है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जुमा की सुबह जारी किए गए आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क की 32 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में इस वबा से अब तक 35,043 अफराद मुतासिर हैं और 1,147 अफराद हलाक हुए हैं। मुल्क में अब तक 890 अफराद इस वबा से सेहतयाब भी हो चुके हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस और इंजीनियरिंग सेंटर की जानिब से जारी किए गए आदाद और शुमार के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस से दुनिया में सबसे ज़ायद अफराद मुतासिर हुए हैं और यहाँ सबसे ज़ायद हलाकतें भी हुई हैं। दुनिया की आलमी ताकत तस्वुर किए जाने वाले अमरीका में इस जानलेवा वायरस से अब तक 10,69,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए हैं और 62,996 अफराद हलाक हो चुके हैं। यूरोप में सबसे शदीद मुतासिर मुल्क इटली में इस वबा की वजह से अब तक 27,967 अफराद हलाक हुए हैं और अब तक 205,463 अफराद इस वबा से मुतासिर हुए हैं। स्पेन कोविड 19 से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में अमेरिका के बाद दूसरे मुकाम पर है। यहाँ अब तक 213,435 अफराद इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं और 24,543 अफराद इस वबा के सबब हलाक हो चुके हैं। रियासत भर में दूसरे मरहले के तहत राशन की तकसीम के अमल का आगाज हो गया। रियासत गिर सतह पर 2,81,00,000 इस्तेफादा कुनिंदगान को फीकस 12 किलो चावल और 1 किलो तुवर की दाल सरबराह की जा रही है। महकमे सिविल सप्लाईज़ की जानिब से इस सिलसिले में तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। राशन शॉप्स के पास समाजी फासले की को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई हैं। रियासती वजीर फाइनांस हरीश राव ने मई डे के मौके पर तमाम मजदूरों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि दुनिया के मजदूरों के इत्तेहाद की मई डे निशानदेही करता है। हर मुल्क की तरक्की के पीछे मजदूरों का कलीदी किरदार है। रियासती हुकूमत मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। हरीश राव ने आज सिद्दीपेट में मई डे के मौके पर एक फंक्शन हॉल में मुनक्किद तकरीब में बल्दिया के सफाई मजदूरों को तहनीत पेश करने के बाद उनके साथ खाना खाया। हरीश राव ने सफाई कर्मचारियों में अशियाए ज़रूरिया और मास्क की तकसीम भी की। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी एन उत्तम कुमार रेड्डी ने मईडे के मौके पर पार्टी हेडक्वार्टर गांधी भवन में INTUC के परचम की कुशाई की। इस मौके पर कांग्रेस के कायदीन वी हनुमंत राव, अंजन कुमार यादव, लेबर सदर प्रकाश गौड़, जनरल सेक्रेटरी प्रेमलाल, बी किशन, नागेश राज और दीगर मौजूद थे। उत्तम कुमार रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि इस मेडे के मौके पर तेलंगाना के मजदूरों को मुबारकबाद देता हूं। कोरोना वायरस के सबब सबसे ज़्यादा परेशान आज मजदूर हैं। रियासती हुकूमत इमारतों की तामीर के मजदूरों की रकम रियासती हुकूमत ने इस्तेमाल किया। मरकज और रियासत ने मजदूरों को हवा में छोड़ दिया। आज तक नहीं मालूम कि रियासत में महाजिर मजदूर कितने हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही गवर्नर से मुलाकात करते हुए रियासत इन मसाइल से गवर्नर को वाकिफ करवाया जाएगा। एक हफ्ते से रियासत में कोरोना वायरस से कमी की सिमत रवा था कि अचानक कल 22 नए केसों पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इजहार तशवीश करते हुए हुकाम को सख्त हिदायत जारी की कि इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सख्ती के साथ इकदाम किए जाएं। रियासत में कोरोना वायरस की तादाद 10,038 हो चुकी है। कल 3 अमवात से जुमला 28 अमवात हुई हैं। चीफ मिनिस्टर ने वजीर सेहत को हिदायत दी कि कंटेनमेंट इलाकों में मज़ीद सख्ती बरती जाए। चीफ मिनिस्टर इस उम्मीद पर हैं कि 5 मई तक रियासत कोरोना वायरस से पाक हो जाएगी। कल के अचानक इजाफे से चीफ मिनिस्टर को तशवीश हुई। उन्होंने रात देर गए प्रगति भवन में इजलास तलब करते हुए इस वायरस के इंसदाद के लिए सख्त इकदाम करने की हिदायत दी।
तेलंगाना रियासत मुल्क भर में फलाही स्कीमात और अवामी खिदमात में मुनफर्द मुकाम रखती है, जिसकी वजह से तेलंगाना की स्कीमात को मुल्क की दीगर रियासतें अपना रही हैं। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने गोशा महल हल्के असम्बली में मीडिया नुमाइंदों को मुखातिब करते हुए किया। गोशा महल के कारपोरेटर मुकेश सिंह की जानिब से 500 ज़रूरतमंदों में राशन किट तकसीम किए गए, जिसमें चावल दाल आटा के अलावा ज़रूरी अशिया शामिल थीं। वजीर दाखिला ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सख्त तदाबीर अख्तियार किए जा रहे हैं, ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को ख़त्म किया जा सके। वजीर दाखिला के चंद्रशेखर राव ने मुल्क भर में सबसे पहले लॉकडाउन का न सिर्फ खैर मकदम किया बल्कि उसे हमारी रियासत में सख्ती के साथ लागू करवाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की तरफ से तेलंगाना के 87,000 राशन कार्ड अफराद को चावल के अलावा 1500 रुपये भी अकाउंट में जमा करवा दिए गए। जिनके पास बैंक अकाउंट मौजूद नहीं है वो पोस्ट ऑफिस जाकर राशन कार्ड दिखाकर रकम हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के रुकन असेंबली टी जग्गा रेड्डी ने कहा कि संगारेड्डी में एलएनटी में काम करने वाले महाजिर मजदूरों को उनके आबाई मुकाम रवाना करने के हुकूमत की इकदाम करें। लॉकडाउन के बाद संगारेड्डी से बिहार झारखंड के मजदूरों के ट्रेन के जरिए रवाना किया गया। मैं उस पर उनका इजहार शुक्रिया अदा करता हूं। मजीद 1700 मजदूर हैं, उन्हें भी रवाना किया जाएगा। जग्गा रेड्डी ने कहा कि राजस्थान में 170 तलबा फंसे हुए हैं, जिनका ताल्लुक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से है। केसिया और जगन मोहन रेड्डी जल्द 2 दिनों तेलुगु रियासतों के तलबा की वापसी के लिए इकदाम करेंगे। जग्गा रेड्डी ने कहा कि पुलिस को दी गई हिदायत की वजह से अवाम रियासत में रहकर अपने आबाई मुकाम जा नहीं रही है। हुकूमत एक दिन के लिए रियासत की अवाम को इजाज़त दे। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मलकपेट मार्केट को 3 दुकानदारों के कोरोना वायरस से मुतासिर पाए जाने के बाद बंद कर दिया और उसे कंटोनमेंट जोन करार दे दिया। बताया जा रहा है कि किराना मार्केट 1 हफ्ते तक बंद रहेगी। ताहम अहदेदारों ने आवाम से कहा कि वह अशियाए ज़रूरिया की सरबराही को यकीनी बनाएंगे। दुकानदारों को यह वायरस उनकी दुकान में काम करने वाले वर्कर्स के जरिए हुआ, जो पहाड़ी शरीफ के रहने वाले हैं। दुकानदारों के अफराद खानदान भी कोरोना वायरस से मुतासिर हैं। इन सभी को गांधी अस्पताल में शरीक करवा दिया गया है। औलाद के लिए कुछ करने की बात हो तो एक माँ के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और ये बात एक 60 साल माँ ने 130 किलोमीटर का नागर कन्नूल से हैदराबाद का फासला पैदल चढ़कर पूरा किया और हैदराबाद में फंसे हुए अपने बेटे से आकर मुलाकात की। रामचंद्र माँ नागर कन्नूल के लिंगाला मंडल की रहने वाली हैं और अपने 2 बेटों और 1 बेटी के साथ रहती हैं। हैदराबाद के शेख पेट में उसका बड़ा बेटा रामुलू एक तामीराती कंपनी में काम करता है। लॉकडाउन की वजह से रामुलू हैदराबाद में फंस गया और अपने गांव न जा सका। 1 हफ्ता कबल रामुलू ने अपनी मां को फ़ोन करके बताया कि वो परेशानी का सामना कर रहा है और लॉकडाउन हटने के बाद वो आकर मिलेगा। 4 शनिवार को किसी नामालूम शख्स ने रामुलू को फ़ोन करके बताया कि उसकी माँ हैदराबाद में है। उसने पता बताया तो 2 लोग अपने साथ उसकी माँ रामचंद्रम्मा को लेकर, बेटे का पता नहीं मालूम था तो सिर्फ फ़ोन नंबर माँ के पास था, जिसकी मदद से माँ और बेटे की मुलाकात हो गई। लॉकडाउन की वजह से परेशान बेटे से मिलने ट्रांसपोर्ट सहूलत न होने की वजह से बुज़ुर्ग खातून ने 130 किलोमीटर का फासला पैदल ही तय कर लिया। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत में मछली अंडा मटन की रुकावट के बगैर सरबराही किया जा रहा है। मटन 700 रुपये किलो फरोख्त करने की हिदायत दी गई है। दूसरे मरहले की राशन सरबराही शुरू की गई है। आज तक सुबह 1 ट्रेन झारखंड के लिए रवाना हुई है। उन्होंने सफवा की तर्दीद की कि मटन में बीफ की मिलावट नहीं हो सकती। मरकजी और रियासती हुकूमतें मिलकर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सदर और रुकन पार्लियामेंट एक जिम्मेदार अहदे पर रहकर मुश्किल हालात में हुकूमत पर तरकीद करना सरासर गलत है। सदर बीजेपी अपनी जिम्मेदारी से बात करें, चंद कायदीन शोहरत के लिए हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, श्रीनिवास ने कहा। साबिक रुकन पार्लियामेंट के कविता ने टीआरएस पार्टी वर्किंग सदर केटीआर के खून का हत्या देने के ऐलान के बाद आज खून का हत्या दिया। उन्होंने कहा कि नौजवान खून का हत्या देकर खून के लिए परेशान मरीजों की खिदमात को यकीनी बनाएं। कविता ने कहा कि हत्या दिया खून नागहानी हालात में ज़िंदगी बचा सकता है। उन्होंने पार्टी वर्कर से कहा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में खून का हत्या दें, जिससे कि हम किसी की ज़िंदगी को बचा सकें।
CPI مختلف لیبر یونینوں نے عظیم لیبر قائد کامریڈ مخدوم محی الدین کو یاد کیا جو ایک متحرک مزدور قائد تھے. انہوں نے ریاست کے مزدوروں میں اتحاد پیدا کیا. یہ عظیم قائد اپنی معیاری شاعری اور محنت کے ذریعے ریاست میں مزدوروں کو ایک طاقت دی تھی. ہر مزدور مخدوم محی الدین کی خدمات کی سراہنا کرتا ہے. حیدرآباد و سکندرآباد کے کئی علاقوں میں آج دھواں دھار بارش ہوئی. صبح سے ہی بعض علاقوں میں موسم ابرآلو تھا. دوپہر کے بعد اچانک بارش شروع ہو گئی. بارش کی وجہ سے شہریوں کو گرمی سے راحت ملی. حیدرآباد کے علاوہ تلنگانہ کے بعض اضلاع سے بھی بارش کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. یہاں یہ ذکر بیجا نہ ہوگا کہ پچھلے چند دنوں سے ریاست میں وقفے وقفے سے تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے. مہاراشٹرا قانون ساز کونسل کی 9 سیٹوں کے لیے الیکشن 21 مئی کو ہوں گے. الیکشن کمیشن نے ان سیٹوں کے لیے الیکشن کو جمعہ کو منظوری دے دی ہے. ملک میں کرونا انفیکشن کی روک تھام کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان سیٹوں پر الیکشن پر روک لگا دی گئی تھی. لیکن کل مہاراشٹرا کے گورنر کوشیاری نے الیکشن کمیشن سے اپیل کی تھی کہ ان سیٹوں کے لیے الیکشن کرانے کی اجازت دی جائے. واضح رہے یہ سیشن 24 اپریل سے خالی, یہ نشستیں 24 اپریل سے خالی پڑی ہیں. مہاراشٹرا کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے مقننہ کے کسی ایوان کے رکن نہیں ہیں. ایسی صورت میں کوئی شخص صرف 6 ماہ تک ہی وزیر اعلیٰ یا وزیر رہ سکتا ہے. اب 6 ماہ کی مدت ختم ہو رہی ہے, اس لیے ان کا اس مدت کے بعد دونوں میں سے کسی ایک ایوان کا رکن منتخب ہونا لازمی ہے. ذرائع کے مطابق مسٹر کوشیاری کی درخواست کے جواز کے پیش نظر کمیشن نے الیکشن کی منظوری دے دی ہے. عالمی وبا کرونا وائرس کی وجہ سے ملک بھر میں جاری لاک ڈاؤن کے درمیان کھانا پکانے کی گیس کا استعمال کرنے والے صارفین کے لیے ایک راحت بھری خبر ہے. اور جمعہ سے غیر سبسڈی والے LPG سلینڈر 162 روپے کی کمی کی گئی ہے. ملک کی اہم تیل مارکیٹنگ کمپنی کے مطابق نئی شرائیں آج سے مؤثر ہوں گی. دہلی میں گیس سبسڈی والا سلینڈر بغیر 162.50 روپے کم ہو کر 777 روپے میں ملے گا. اس ماہ کے لیے 581.50 روپے فی سلینڈر میں ملے گا. حکومت روسی گیس صارفین کو ایک مالی سال میں 12 سلینڈر سبسڈی شرح پر دیتی ہے اور اس سے زیادہ کے مطالبوں پر بازار قیمت دینی پڑتی ہے. ممبئی میں نئی شرح 579 روپے فی سلینڈر ہوگی. کولکتہ میں یہ 584.50 روپے ہوگی اور چنئی میں 569.50 روپے پر یہ فی ایک سلینڈر ملے گا. دہلی واقع مہرولی کے سبزی منڈی میں سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کو لے کر پولیس پر عوام پر سختی کر رہی ہے. لوگوں پر نظر رکھنے کے لیے ڈرون کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے اور اس تعلق سے اعلانات بھی کیے جا رہے ہیں. ہفتوں سے بدنظمی اور بدسلوکی کا سامنا کرتے ہوئے تبلیغی اب اپنے ملک والوں کو مہلک کرونا وائرس سے بچانے کے لیے اپنا پلازما عطیہ کرنے کے لیے آگے آئے ہیں. نہ صرف جماعت کے ہندوستانی ممبر بلکہ تبلیغی اجتماع کے غیر ملکی شرکا جو مرکز نظام الدین میں 13 سے 15 مارچ کو منعقد ہونے والے پروگرام میں آئے تھے, وہ بھی ہندوستانی کووڈ مریضوں کی جان بچانے کے لیے بڑی تعداد میں آگے آ رہے ہیں. تبلیغی پروگرام میں شرکت کے لیے الجیریا, ملیشیا, فجی اور انڈونیشیا اور دیگر ممالک کے علاوہ جماعت کے ہندوستانی ممبران مختلف اسپتالوں میں بڑی تعداد میں قطار میں کھڑے رہ کر اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں. کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والے سینکڑوں تبلیغی جماعت کے ارکان کووڈ-19 کے مریضوں کے لیے پلازما عطیہ کرنے کے لیے تیار ہیں جن کا علاج چل رہا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جن کو حال ہی میں سوشل میڈیا اور کچھ نیوز چینلوں نے بدنام کیا تھا اور ان پر کرونا وائرس پھیلانے کا الزام عائد کیا تھا. مدھیہ پردیش کے بیتول میں اپنے بھائی کے ساتھ گاؤں واپس آ رہی 18 سالہ لڑکی کے ساتھ 7 افراد نے مبینہ طور پر زیادتی کی جس میں 3 نابالغ بھی شامل ہیں. پولیس نے جمعرات کو اس بات کی اطلاع دی ہے. انہوں نے بتایا کہ 29 اور 30 اپریل کی درمیانی شب میں جرم کرنے سے قبل ملزموں نے متاثرہ کے بھائی کو کنویں میں پھینک دیا تھا. ایک عہدیدار نے بتایا کہ پولیس نے 3 نابالغوں سمیت 5 ملزمان کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے جبکہ 2 مفرور ہیں. کوتوالی تھانہ انچارج راجندر دھروے نے بتایا کہ
लड़की बुध की रात मोटरसाइकिल पर अपने 21 साला भाई के साथ अपने गांव जा रही थी। उन्होंने बताया कि सातों मुलजिमान ने मोटरसाइकिल को रोका और रात के 8:30 बजे इस लड़की के भाई को कुएं में फेंक दिया। उन्होंने बताया कि मुलजिमान ने जुमेरात की रात 2 बजे तक लड़की के साथ जिंसी ज्यादती करते रहे। धरवे ने बताया कि मुलजिम के जरिए रिहा होने के बाद खातून अपने भाई को कुएं से निकाल कर सुबह गाँव पहुँची। उन्होंने बताया कि बाद में उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद इन 5 लोगों की गिरफ्तारी अमल में आई। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों की तादाद मुसलसिल बढ़ती जा रही है। मालेगांव में 40 पुलिस एहलेकार कोरोना पॉजिटिव पाए गए। खास बात यह है कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए सारे पुलिस वाले शहर के कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी काम अंजाम दे रहे थे। मालेगांव कोरोना वायरस के नए हॉट स्पॉट के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में यहां कोविड-19 के 82 नए मामले सामने आए हैं। मालेगांव में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 258 हो गई है। इस दरमियान महाराष्ट्र का बारामती ज़िला कोरोना से आज़ाद हो गया है। यहाँ कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। इस बात की जानकारी नायब वजीर आला अजीत पवार ने ट्वीट करके दी। हालांकि महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव की तादाद 10,000 के पास पहुंच गई है। पूरे महाराष्ट्र में कुल 733 से इलाकों को रिस्ट्रिक्टेड एरिया करार दिया गया है, जबकि अब तक तकरीबन 1.5 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर असद खैसर में कोरोना वायरस कोविड-19 की तशखीस हुई है और उन्होंने ख़ुद को अपने घर में क्वारंटीना कर लिया है। खैसर ने ट्विटर पर ये मालूमात दी हैं। उन्होंने कहा कि मेरा कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बित आया है, मैंने अपने घर में ख़ुद को क्वारंटीना कर लिया है। उन्होंने तमाम हम वतनों से एहतियात बरतने की दरख्वास्त की है। इस दौरान जियो टेलीविज़न ने खैसर के भाई के हवाले से बताया कि स्पीकर के बेटा और बेटी भी कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। स्पीकर के इन मुमकिन राबितों के बारे में अभी कोई इतला नहीं है जो उनमें कोरोना वायरस से इन्फेक्शन की वजह हैं, क्योंकि उन्होंने ऐवान का इजलास बुलाए जाने के तनाज़ुर में गुज़िश्ता हफ्ते अरकान पार्लियामेंट और कई हुक्काम के साथ मीटिंग की है। वो 24 अप्रैल को वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मिले थे, ताहम वो दोनों एक दूसरे से मुनासिब फासले पर बैठे थे। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान 2 अरकान पार्लियामेंट, सूबाई असम्बली के एक रुकन और बहुत से अफसरान में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी। इससे कबल पीर को जुनूबी सूबे सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने कोरोना वायरस से मुतासिर होने की तस्दीक के बाद खुद को क्वारंटीना करने की इतला फराहम की थी। ऐसे वक्त में जबकि दुनिया भर में कंपनियां कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन ईजाद करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं, बाज़ ममालिक समाजी फासले को यकीनी बनाने के लिए नित नए तरीके सामने ला रहे हैं। कोविड वायरस के मौसर इलाज की अदम दस्तियाबी में समाजी दूरी मिसाल बनी हुई है। इस सिलसिले में चीन के स्कूल ने ऐसी टोपियों का सहारा लेना शुरू कर दिया है जो तलबा के दरमियान महफूज फासले को बरकरार रखने में अपना किरदार अदा कर रही हैं। ये पेशरफ्त कोरोना के सबब मुल्क के स्कूलों की 3 माह के लिए बंदिश के बाद सामने आई है। चीन के मशरक़ी सूबे ज़िजियांग के शहर हिंगजू में एक प्राइमरी स्कूल की क्लास के अंदर बनाया गया वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है। वीडियो में छोटे तलबा ऐसी टोपियां पहने दिखाई दे रहे हैं जिनमें जानबी पट्टियां फराहम की गई हैं। ये पट्टियां 1 मीटर लंबी हैं और इनका मकसद एक दूसरे से दूर रहने की ज़रूरत के हवाले से मुतनब्बा करना है। अलावाजी ये बच्चे चेहरों पर तिबी मास्क भी पहनते हैं। बरतानवी अखबार डेली मेल के मुताबिक मस्कुरा स्कूल ने इन टोपियों की तजवीज़ ऐसे मौके पर पेश की जब 26 अप्रैल से पहले से 3री जमात के छोटे तलबा के द्वारा स्कूल आने का आगाज़ हुआ। स्कूल के प्रिंसिपल ने एक अखबार बयान में कहा कि हम तलबा के 1 मीटर तवील टोपी पहनने पर उनकी हौसला अफजाई करते हैं। इसका मकसद ये है कि वो एक दूसरे से 1.5 फीट के फासले पर रहें। चीन में हुकाम ने 3 माह की बंदिश के बाद बाज़ स्कूलों को दोबारा खोलने की इजाज़त दे दी है। इसके साथ ही ये खबरें अब यहीं ख़त्म होती हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।